A very good morning, 8th class. We have studied our 5th chapter, agriculture. We have already learned the types of farming, major crops and agriculture develop in India. Let me revise again agriculture, types of farming, subsistence farming, and there are the two parts of the subsistence farming that are intensive subsistence for agriculture, primitive subsistence agriculture, and nomadic herding and shifting cultivation are the types of primitive subsistence agriculture. Now after that we have studied the commercial farming, also the features of commercial farming, mixed farming, plantation agriculture and major crops. Okay, so now our chapter is over. In previous video, now in this video we will read the remaining parts, and that is case study. स्टूडेंट्स, यहाँ पर केस स्टडी दी गई है. केस स्टडी देने का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है वो कैसे की जाती है, और उसकी जो कंपैरिजन की गई है वो दूसरी कंट्री के साथ की गई है कि जो अनदर कंट्री है USA, वहाँ पर किस तरह की फार्मिंग की जाती है. और केस स्टडी में दिखाने का ये मतलब होता है कि कंपैरिजन करो और अच्छे से जानो कि ऐसा क्यों है. सो फार्मिंग इन इंडिया. हीरालाल इज़ अ फार्मर इन विलेज करौली इन हरियाणा. हिज फादर हैड अ बिग फार्म बट इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर आफ्टर हिज फादर्स डेथ. जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में क्या होते हैं, वैसे बिग फार्म होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे भाइयों के साथ में बट जाते हैं, और बटने के बाद उनका जो साइज़ होता है, जो स्केल होता है, वो स्मॉल हो जाता है. ही हैज़ अ स्मॉल फार्म अबाउट 2 hectares विच ही फाइंड वेरी अन इकोनॉमिकल. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म इज़ डन बाई हिम एंड हिज फैमिली. और जहाँ पर, जिस फार्म पर खुद वर्क किया जाता है और फैमिली उनके साथ में हेल्प करती है, तो किस तरह की फार्मिंग होती है, दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग किस टाइप की होती है. सो ही प्रैक्टिसेस सबसिस्टेंस फार्मिंग. द एंटायर प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली विद लिटिल और नो सरप्लस टू सेल. और सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही वहाँ फार्मिंग की जाती है, या फिर थोड़ा बहुत जो बच जाता है प्रोडक्शन वो हम बेच देते हैं, लेकिन उससे हम इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं. सो हीरालाल इज़ अ पुअर एंड अनएजुकेटेड एंड हैज़ नो नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन. यहाँ हीरालाल बिल्कुल पुअर है और अनएजुकेटेड है, और उसको पता नहीं है कोई भी साइंटिफिक मेथड का जिससे फार्मिंग अच्छी तरह से वो कर पाए. ही कंटिन्यूज टू यूज एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन सच एज हार्वेस्टिंग मैनुअली एंड प्लॉइंग विद बुलक्स. इसका मतलब ये है कि जो आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और मशीनरी यूज़ की जाती है, लेकिन वो पुअर है बिल्कुल, और उसको नॉलेज भी नहीं है कि वो किस तरह से क्या चीज़ें यूज़ किए करें. तो जो उसके पास बैलगाड़ी है, हियर इज़ अ गिवन, उसी को वो यूज़ करता है. ओके, एंड ही हैज़ नो इरीगेशन फैसिलिटी. इरीगेशन मीन्स खेतों में पानी देने की कोई फैसिलिटी उसको नहीं है. ही डिपेंड्स हैविली ऑन मॉनसून विच इज़ इरेगुलर एंड अनरिलायबल. और आपको पता है कि वो मॉनसून पर डिपेंड है, और मॉनसून कैसा होता है, इरेगुलर, उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, और
या तो वो अपने प्रॉपर टाइम पर आएगा मॉनसून, या नहीं भी आ सकता है. सो ही ओनली ग्रोज फूड क्रॉप्स ऑन एज अ स्मॉल फार्म, फॉडर क्रॉप इज इग्नोर्ड. और वो सिर्फ क्या करता है, अपने स्मॉल फार्म पर सिर्फ फूड क्रॉप्स जो खुद अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाए खाने के लिए, वो ही क्रॉप्स ग्रो कर पाता है. फॉडर क्रॉप्स नहीं उग पाते. और फॉडर क्रॉप्स उसको बोलते हैं जो अपने एनिमल्स के खाने के लिए, उनके चारे के लिए लगाई जाती है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स ही कैन नॉट बाय गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और फार्म मशीनरी. और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो उसके को जब वो गरीब है और उसको नॉलेज भी नहीं है, तो वो किस तरह से क्या जुटा पाए अपनी अच्छी फार्मिंग के लिए. ना तो वो अच्छी गुड क्वालिटी की सीड्स खरीद पाता है, ना फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, और ना ही उसके पास फार्म मशीनरी है. ओके, नाउ ही ऑफन हैज़ टू टेक ही हैज़ नो स्टोरेज फैसिलिटी, सो ही इज़ फोर्स टू सेल इज प्रोड्यूस इमिडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट एट वट एवर प्राइस ही गेट्स. और वो क्या कर पाता है, देखो जब क्रॉप्स लगाई जाती है तो उसके बाद जो उसका प्रोडक्शन होता है, जो क्या करते हैं, फैसिलिटी भी नहीं होती है उनके पास उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टोर कर पाए, और तुरंत क्या करते हैं, वो उसको बेचने के लिए भी जाते हैं. जो भी उस पर प्राइस मिलता है, चाहे वो कम ही क्यों ना दाम मिले, वो उसमें बेच देते हैं. ओके, और क्यों, देखो अच्छे दाम पर अच्छी मार्केट में, जब एक मार्केट में जब प्राइस किसी चीज़ के बढ़ते हैं, और या जब उस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ अच्छे से बिक पाती है. लेकिन उसके लिए सबसे मेन ज़रूरत है कि हम चीज़ को स्टोर करके रख पाए, और स्टोर करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो चीज़ ख़राब हो जाती हैं. लेकिन इसको नॉलेज नहीं है हमारे, जो यहाँ अभी इसके बारे में बताया गया है, तो वो क्या कर पाते हैं, उन चीज़ों को एक तो स्टोर नहीं कर पाते हैं, और ख़राब होने से बचाने के लिए वो उनको पहले ही किसी भी कीमत पर बेच देते हैं. ओके, सो ही ऑफन हैज़ टू टेक लोन्स ऑन इंटरेस्ट विच ही इज़ अनेबल टू पे. और वो क्या करते हैं, कई बार वो अपनी फार्मिंग के लिए एक तो लोन लेते हैं, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है, या उस लोन को वो चुका भी नहीं पाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस इन एग्रीकल्चर सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन फैसिलिटीज, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर द फार्मर्स फ्रॉम बैंक, and setting up to agriculture universities to train the farmers. So यहाँ पे एक word दिया गया है, green revolution. Green revolution का मतलब है, students एक बात मैं बताती हूँ, after we got the freedom, आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि हमारी farming जो थी बिल्कुल low category की थी, और उसमें लोगों को फार्मिंग करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पता था, ना उनको अच्छी क्वालिटी का पता था सीड्स की, ना वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर पाते थे. फर्टिलाइज़र्स वो चीज़ होती है जो कि क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए उनको हेल्प करती है, और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वो चीज़ होती है जो फार्मिंग को इंसेक्ट से बचाने के लिए और उनकी पैदावार अच्छी करने के लिए उनको हेल्प करती है. तो ये सारी की सारी चीज़ों हमारी उस टाइम नहीं थी. तो क्या था कि उस टाइम हमारे एक अनदर कंट्री से एक पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग. वो आए थे और उन्होंने इंडिया के ऊपर, इन फार्मिंग के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम किया था, और उसके जो है बहुत अच्छे एडवांटेज भी मिले थे, और हमारे इंडिया का जो लेवल था फार्मिंग का और एग्रीकल्चर का, वो काफ़ी अच्छा हुआ था, और लोगों को बहुत से
टेक्नोलॉजी का की नॉलेज भी मिली थी उनसे, तो और लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। तो जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें वो सारी बातें बताई गई थी जो एक अच्छी फार्मिंग के लिए बेस्ट होती है और बेस्ट फैक्टर होते हैं। ओके, कि किस तरह से एक फार्मिंग के लिए अच्छी सीड्स का यूज़ किया जाए और अच्छे केमिकल फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, और सबसे मेन बात है अगर जो पुअर है फार्मर उनको लोन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है और उनको ट्रेनिंग भी दी गई है कि वो किस तरह से फार्मिंग करें, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करें। ऑन वन हैंड इट हैज़ हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ हेल्प द फार्मर सोशली एंड इकोनॉमिकली। देखो, ये एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ एक फार्मर्स को सोशली और इकोनॉमिकली रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। सो नेक्स्ट स्टडी, हियर इज गिवन केस स्टडी अ फार्म इन यूएसए। यूएसए में ये फैमिली यहाँ पर बताई गई है। ही इज जॉन एंड जॉन इज अ फार्मर इन लोवा इन यूएसए एंड ही हैज़ अ वेरी लार्ज फार्म अबाउट 350 हेक्टेयर्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय हिज फैमिली। His farm is a part of the vast plain in the prairies and is well suited for extensive mechanized farming. अब यहाँ पर कौन सी farming के बारे में बात की गई है? Extensive. Extensive it means कि ये यहाँ पर जो plain area है बहुत ही vast होता है और यहाँ पर उनको बहुत ही नॉलेज है, एक तो सीड्स की भी और पूरी टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का यूज़ भी यहाँ किया जाता है। एंड ही हैज़ वेरी लिटिल लेबर ऑन हिज फार्म, ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इट मीन्स देखो, उसको टेक्नोलॉजी का पूरा पता है और सभी वो मशीन्स यूज़ करता है जो उसको यूज़ करनी चाहिए। एंड जॉन इज़ अ वेल एजुकेटेड, यहाँ फ़र्क इस बात का है कि ये वेल एजुकेटेड है। एंड ही ग्रोस कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड्स ऑफ हिज क्रॉप्स। From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the soil has all the necessary nutrients or not. It means, देखो, उसको पूरी training है कि किस तरह से farming करनी है और अपनी जो है कि production को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जानी चाहिए, उन सभी बातों की उसको नॉलेज है। और टाइम टाइम पर वो लेबोरेटरी में अपनी जो सोयल है, किस टाइप की सोयल है और उसमें मिनरल्स, कौन से मिनरल्स की कमी हो गई है और मिनरल्स की और फर्टिलिटी, मतलब सोयल की और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो उन सभी बातों को लेबोरेटरी में चेक करवाते हैं और उसके करवाने के बाद जो कमी पाई जाती है उसको वो पूरा करने की कोशिश करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द लैब रिजल्ट जॉन प्लान्स अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। ओके, एंड ही मैनेजेस सच अ बिग फार्म विद हेल्प ऑफ हिज कंप्यूटर। कंप्यूटर बताता है कि काफ़ी एजुकेटेड है वो, तो सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ हिज फार्म ही नोज प्रिसिसली विच एरिया नीड्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एंड यूजेस देम वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। एंड द स्टूडेंट्स, John has an automated grain storage in which he store his grains after harvesting before they are dispatched to domestic or international market agencies. और देखो, उसको एक मेन चीज़ ये है कि स्टोरेज वो अच्छी तरह से कर पाता है जो फार्मिंग के दौरान जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से स्टोर करना है और उसको अच्छे से वो मेंटेन कर पाता है। जॉन एंड हिज फैमिली लिव इन अ बिग हाउस ऑन द फार्म
एंड हैव अ हाई स्टैंडर्ड लिविंग जोन एंड फार्मर्स लाइक हिम कैरी आउट द फार्म वर्क मोर लाइक अ बिजनेसमैन। ओके सो नाउ अब इन दो स्टोरी में आपने देखा होगा कि और इसको ऑब्जर्व भी करें और कंपैरिजन भी करें एक दूसरे के साथ। ओके एंड नाउ आवर चैप्टर इज ओवर, आई थिंक यू गॉट इट। आप दोबारा से वीडियो को देखें अगर कुछ भी आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन है। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर डूइंग द एक्सरसाइज। सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग, इन अ विच कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लिव स्टॉक इज डन ऑन द सेम फार्म। इट मीन्स जहाँ पर क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स को भी पाला जाता है वो किस तरह की फार्मिंग होती है, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। ओके अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड सिंगल क्रॉप्स, मतलब एक ही तरह की जहाँ पर क्रॉप्स को लगाया जाता है वो किस टाइप की फार्मिंग होती है, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर, विच ऑफ दीज क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सोयल। सो हियर इज गिवन द थ्री ऑप्शंस। आप पहले रीड करेंगे कि किस टाइप की सोयल कौन सी क्रॉप्स के लिए यूज़ की जाती है, फिर आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे और अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। ओके सो कॉटन। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। नाउ आंसर इज ब्राज़ील। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज हेयर, इंडिया एंड बांग्लादेश आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। सो जूट इज द करेक्ट आंसर। Leading producer of rice in the world and that is China. Which of these is not a producer of rubber? That is Russia. Now horticulture means, here is a given three options. और horticulture means होता है growing of fruits and vegetables. Now the next one. It requires temperature below 25 degrees Celsius. A rainfall is about 50 to 75 centimeter and well-drained loamy soil. Identify the crops and the answer is wheat. Now next one is, in which of the following states of India tea is not grown? So Assam mein bhi aur Bengal mein bhi yaha kya hai? Hill slopes hai aur Punjab mein aise फीचर्स नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। सो आंसर इज पंजाब। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन हियर, रबर ट्री ग्रोज इन विच रीजन, दैट इज इक्वेटोरियल। नाउ विच इज द चीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सो दैट इज जूट। एंड व्हाट ग्रोज ऑन जेंटल हिल स्लोप्स, दैट इज टी। And India is third largest producer of the cotton in the world. Sugarcane is an important which type of crops? Commercial. Now next one, shifting agriculture is called Northeast India. So answer is zooming. So students, you can do this exercise yourself. आप कोशिश कीजिए पहले खुद करने की, उसके बाद आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म, हियर इज अ गिवन द सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग स्टूडेंट्स? मैं आपको अपनी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सबसिस्टेंस फार्मिंग उसको बोला गया है इस प्रैक्टिसेस to meet the need of the farmers family and needs less technology and labor।
आंसर इज हेयर गिवन. सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय अ फार्मर टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. ओके, आप यहाँ तक इसको राइट कर सकते हैं अटेंटिवली. यू विल राइट अटेंटिवली एंड योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट वन इज गिवन हेयर मिक्स्ड फार्मिंग. अभी मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोला गया, आंसर इज मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एज वेल एज फॉर रियरिंग लाइव स्टॉक. यू कैन राइट, आप यहाँ तक लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग. सो आंसर इज देयर. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग फॉर अ प्रॉफिट एंड इन कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट. आंसर इज देयर. नाउ नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. सो आंसर इज देयर. सो आंसर इज हेयर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से राइट कर सकते हैं. सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड टेम्परेरली ओनली टू अबेंडन और अल्टर द इनिशियल यूज अ शॉर्ट टाइम. सो आंसर ये है एंड यू कैन राइट. सो द नेक्स्ट वन इज गिवन हेयर नोमैडिक नोमैडिक हर्डिंग. सो आंसर इज देयर. So students, answer is there. Nomadic herding is practiced by nomadic tribes who rear different types of animals like cattle, goat, sheep or yak. You know very well nomadic person किसको बोला जाता है, जो move करते हैं from one place to another, जिनका कोई अपना permanent रहने का ठिकाना नहीं होता है और वो समय समय पर अपना जगह बदलते रहते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन हेयर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो आंसर इज देयर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग अ सिंगल टाइप ऑफ ट्री और बश क्रॉप्स ऑन अ वेरी एक्सटेंसिव स्केल. आंसर इज देयर. आप यहाँ से इसको यहाँ तक राइट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग. First question is there, what is agriculture and name the factors that influence agriculture. आप agriculture के बारे में बताएं और वो factors जो कि agriculture को influence करते हैं, मतलब उस पर effect डालते हैं. So answer is there. So students, agriculture is the art and science. Art and science of cultivating the soil, growing crops and raising livestock. Okay, so climate, land relief, soil, temperature, vegetation are the main factors which influence agricultural activity. So you can write. The next second question is given here. What are the features of subsistence farming? In which countries is this type of subsistence practiced? So answer is there. So answer is there. Features of subsistence farming. Farm size is a small. Less use of farm machines. Use of simple tools and animals. Farmers are poor and have a low standard of living, and subsistence farming is practiced in thickly populated region of Asia such as India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Malaysia. Is that clear everyone? Note down.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इन विच कंट्री इज कॉमनली प्रैक्टिस. सो आंसर इज देयर. सो आंसर इज देयर स्टूडेंट्स. यू कैन राइट, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एज वेल एज फॉर रियरिंग लाइव स्टॉक. आप यहाँ तक राइट करें इसको. देन नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है. सो आंसर इज देयर. आप यहाँ से राइट करें, मिक्स्ड फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका. आप यहाँ तक इसको राइट करें. गॉट इट एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग. हम इसको राइट कर चुके हैं इन जो अभी हमने टर्म्स की थी उसमें ये आ चुका है नोमैडिक हर्डिंग. सो देयर इज नो नीड टू राइट. नाउ नेक्स्ट गिवन इज हियर, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. सो आंसर इज देयर. सो आंसर इज देयर स्टूडेंट्स. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर practiced by tribal in thick tropical forest. The major disadvantages of shifting cultivation is that many trees in the forest are cut and this increases soil infertility and leads to soil erosion. Is that clear everyone? So the next question is here, list the features of plantation agriculture. Name the major plantation crop of Brazil, India, Sri Lanka and Malaysia. So answer is there. So students, you can note down from the book features of the plantation agriculture. So first one is given here, plantation agriculture require a huge capital. Farms are very large. Intensive use of machines and skilled labor. Plantation are managed like an industry. The produce is processed on the farm itself or a nearby factories. Okay, and plantation are well linked to the market with a well developed system of transport and communication. So next jo pucha gaya hai, major plantation are located in the tropical regions of the world. For example, ab usme hum dekhenge ki जो पूछा है कि नेम द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ ब्राज़ील. सो आंसर इज कॉफी. कॉफी आप यहाँ से राइट करेंगे, कॉफी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड रबर इन मलेशिया. ओके, सो आंसर इज देयर. यू कैन नोट डाउन. सो स्टूडेंट, द सेवंथ क्वेश्चन इज हेयर, Describe commercial grain farming. So answer is there. Answer is here. Commercial farming crops are grown for commercial purpose. Major area practicing this type of farming are temperate grassland like prairies of North America, pampas of South America and steppes in Eurasia. Wheat and maize are common commercially grown grains. These areas are sparsely populated and due to severe winter only a single crop can be sown in the summer season. So answer is there. You can note down from the book. So the students, the eighth question is given here, describe the condition required for the growth of wheat, rice, cotton, sugar cane and ye kis tarah se likhe jayenge, main aapko bata rahi hu how to write. Okay, सो आंसर एट आप इस तरह से राइट करेंगे स्टूडेंट्स. आप ऊपर राइट करेंगे कि फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वीट. वीट के जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, ब्राइट सन, लॉमी सॉयल. और बाद में पूछा गया है कि इंडिया में किस स्टेट में इसका प्रोड्यूस किया जाता है. सो आप इस तरह से राइट करेंगे, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार. और फिर कंट्री की बात पूछी गई है कि कौन सी कंट्री में इसका प्रोड्यूस किया जाता है. सो लीडिंग प्रोड्यूसर है यूएसए, कैनेडा, चाइना, रशिया एंड फ्रांस. और इसी तरह से आप राइट कर सकते हैं राइस का. राइस के बाद यहाँ पर आएगा शुगर केन,
देन कॉटन, और आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं। और मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें सारे के सारे फेवरेबल कंडीशन के बारे में मैंने बताया है, और प्रोड्यूसिंग स्टेट और लीडिंग प्रोड्यूसर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। आप वहाँ से देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम है जो ये क्वेश्चन करेंगे, क्रिएटिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस, व्हाई डू डिफरेंट रीजंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि जो डिफरेंट रीजंस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्यों है, को क्यों होती है, व्हाई। सो आंसर इज देयर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सोयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो आंसर इज देयर। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एफ है जो दिया गया है, क्या है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। यू हैव टू राइट दिस आंसर योरसेल्फ। मैंने आपको सब्सिस्टेंस के बारे में बताया, कमर्शियल के बारे में बताया, ये आप खुद करेंगे और इनके बीच कंपैरिजन करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि हाउ, और आप इसको अच्छे से राइट करेंगे। नाउ सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल, पजल्स ऑलरेडी गिवन हेयर। आप क्या करेंगे, पहले इसको रीड करेंगे अक्रॉस और डाउन साइड में जितनी भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद आप इसको खुद इसका आंसर क्या होगा उसको आप यहाँ इसमें फिल करेंगे। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, आप जितना खुद करने की कोशिश करेंगे आपको जितनी चीज़ें उतनी ही अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक मैप एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो आप मेंशन करें। सो स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए स्पेशल एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इन चीज़ों को बताऊंगी। तब तक आप यहाँ तक अपना वर्क को कंप्लीट करें, और नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल इस मैप का ही अपलोड करूंगी। आप यहाँ से उस चीज़ को समझेंगे और फिर मैप में खुद इसको करके देखेंगे। ओके, सो नाउ आई होप यू गॉट इट। तब तक आप पढ़ते रहिए, टिल देन कीप रीडिंग।